लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। नदिया की कृष्णगंज के टीएमसी विधायक सत्यजीत विश्वास को सरेआम हत्या करने के बाद से राज्य सरकार की तरफ से विधायकों की सुरक्षा को बढ़ा दी गई है। यहां तक कि नगर निगम के पार्षदों के लिए भी सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया है। राज्य पुलिस के मालदा के डीआईजी सुजीत सरकार विधायकों के सुरक्षा को लेकर सोमवार जिले के विधायकों को लेकर इंग्लिश बाजार थाने में एक बैठक की। इस बैठक में सीपीएम, टीएमसी और कांग्रेस के विधायक मौजूद थे, लेकिन वही जिले के इकलौते भाजपा विधायक स्वाधीन सरकार भी सिर्फ शामिल नहीं थे। भाजपा विधायक स्वाधीन का कहना है कि उन्हें नहीं बुलाया गया। भाजपा विधायक का आरोप है कि विधानसभा चुनाव के बाद से सुरक्षा की मांग करते हुए विधानसभा के स्पीकर से लेकर कई अधिकारियों को पिछले 3 सालों में 7 बार चिट्ठी लिखकर अभी तक सुरक्षा उन्हें नहीं दिया गया। मालदा जिले के भारत बांग्लादेश सीमांत इलाके के वैष्णो नगर विधानसभा केंद्र के भाजपा के इकलौते विधायक स्वाधीन ने भी यही बात की। भाजपा के विधायक होने के कारण ही राज्य सरकार की तरफ से ऐसा वर्ताव किया जा रहा है। वहीं भाजपा विधायक पर कटाक्ष करते हुए मालदा जिले के टीएमसी कार्यकारिणी सभापति व इंग्लिश बाजार नगर निगम के चेयरमैन दुलाल सरकार ने कहा कि भाजपा विधायक को सुरक्षा की क्या जरूरत है। भाजपाइयों के लिए तो टीएमसी विधायकों को सुरक्षा बढ़ानी पड़ रही है। दुलाल ने यह भी कहा कि हजारों लोग सुरक्षा को लेकर पुलिस सुपर के पास गुहार लगाते हैं, तो क्या सभी को सुरक्षा देना पड़ेगा? बीजेपी जो ना सिक्योरिटी नहीं बना रखी, और देखो सिक्योरिटी दरकार, बीजेपी एमएलए सिक्योरिटी दरकार नहीं ना, उधर लोग ना देखिए दिल्ली तक गिरो कर बड़ा बड़ा बंदूक कर वो लोग ने घुरे बाचे 40-50 टैक्स उधर भाई हमरा सिक्योरिटी दीचे। वही दुलाल के इस बयान से एक तरह से स्वाधीन के आरोप को ही सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भले ही ये विधायक हो या आम इंसान, राज्य के हर एक निवासी का सुरक्षा राज्य सरकार और प्रशासन का ही दायित्व होता है, और अगर राज्य सरकार और प्रशासन में से कोई भी अपने दायित्व से पल्ला झाड़ता है तो ये संवैधानिक रूप से उस विश्वास का, उस भरोसे का अपमान होता है जिस भरोसे से देश के लोग किसी भी राजनीतिक पदों पर बैठने वालों को अपने मतदान द्वारा चुनते हैं। विषयटा पैथोलॉजी हमारा देखी जे विधायक पश्चिम बांगलार निरापत्ता नाई अति साम्प्रतिक घटना जे हमारे नदिया जिलार जे कृष्णगंजर विधायक मिस्टर विश्वास सरस्वती पूजोर दिन आतताईर हाथे गुली हुए मारा गेलें एवं सेटा सर्वजनसमक्षे बला जेते पारे जेखाने अनुष्ठान एकटा सांस्कृतिक अनुष्ठान चलछिलो एवं एखानेई प्रमाण करे जे पश्चिम बांगलार आईन व्यवस्था एवं किभाबे कोथाय पौंछे गेछे। तो आमिओ व्यक्तिगतभावे एकजन विधायक हिसाबे যেহেতু বিধায়কদের জন্য একটা সিকিউরিটি প্রোভাইড করার একটা ব্যবস্থা বিধানসভার পক্ষ থেকে আছে এবং সেই অনুযায়ী আমি স্পেশাল অ্যাডিশনাল সিপি অ্যান্ড জয়েন্ট সিপি হেডকোয়ার্টার্সকে প্রথমে দরখাস্ত করি। পরবর্তী পর্যায়ে জানতে পারি যে না এখান থেকে হবে না। পরবর্তী পর্যায়ে আমি 2-3 বার স্পিকারকে সশরীরে দেখা করার পরে আমি চিঠি দেই স্পিকার মহোদয়কে। পরবর্তী পর্যায়ে যখন সেখান থেকে যখন কিছু হলো না, পরবর্তী পর্যায়ে আমি বিধানসভার যে সচিব আছে তাকে 2টো দরখাস্ত করি এবং তার সঙ্গে সশরীরে দেখা করি এবং সিকিউরিটি চাই। সেখান থেকেও যখন হলো না, শেষ পর্যন্ত আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অ্যাড্রেস করে 2বার চিঠি লিখেছি, রেজিস্টার্ড চিঠি লিখেছি, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এখনও পর্যন্ত আমাকে সিকিউরিটি প্রোভাইড করা হয়নি।